हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चंस जो गेट बायोटेक्नोलॉजी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। तो आज हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल इकोलॉजी। नाउ देखिए, इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वो डिफरेंट एग्जाम्स को पूछे जाते हैं। एंड क्वेश्चंस सबसे सिंपल क्वेश्चन कि जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, अभी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज एन इंडिकेटर ऑफ फीकल कंटेमिनेशन। तो फीकल कंटेमिनेशन का इंडिकेटर कौन सा है, हम टेस्ट कौन से ऑर्गेनिज्म के करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट है कि फीकल कंटेमिनेशन में एक ऑर्गेनिज्म की जो मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज द इस्चेरिशिया कोलाई, कि जो ई कोलाई जो हम कॉमनली यूज करते हैं लेबोरेटरीज में। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन सेकेंड, अभी मैच द पेयर्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी मैच द पेयर्स में देखिए क्या पूछा है। मैच द ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप वन, कि ऑर्गेनिज्म ग्रुप वन में एंड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन ग्रुप टू, कि कॉलम टू में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉलम वन में ऑर्गेनिज्म कौन से, वो पूछे। अभी देखिए फर्स्ट मिथेनोकोकस, एंड मिथेनोकोकस दैट इज दे आर बैरोफाइल्स। देन ड्यूनेलियना, सो दिस इज द हेलोफाइल। देन सल्फोलोबस, सल्फोलोबस इज द एसिडोफाइल, तो सल्फोलोबस इज द एसिडोफाइल। एंड इस्चेरिशिया इज द मीसोफाइल। सो दिस आर द एग्जाम्पल। तो मिथेनोकोकस बैरोफाइल है, ड्यूनेलियला दिस इज द हेलोफाइल, देन सल्फोलोबस इज द एसिडोफाइल, एंड द इस्चेरिशिया इज द मीसोफाइल। तो ऑर्गेनिज्म एंड वो कौन से टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं, एज वेल एज वो कौन से साल्ट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ग्रो करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन नेक्स्ट मैच द प्रोडक्ट, क्या आपके पास प्रोडक्ट है इन द ग्रुप वन विद देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप टू। सो प्रोडक्ट इन द ग्रुप वन एंड रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप टू। नाउ यहाँ पे सो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, प्रोडक्ट एंड रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म। अभी देखिए प्रोडक्ट ग्लिसरॉल, एंड ग्लिसरॉल प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म जो यूज किया जाता है, ड्यूनेलियाना सेलाइना। देन ग्लूटामिक एसिड, सो यहाँ पे यूज किया जाता है कॉर्नी बैक्टीरियम। देन कर्डलन, यहाँ पे यूज होता है एल्केलिजेंस फेकेलिस। एंड एम्फोटेरिसिन बी, यहाँ पे यूज होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोड्यूसेस। सो देयरफॉर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन था, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन फोर्थ मैच द कमर्शियल माइक्रोबियल सोर्सेस, कमर्शियल माइक्रोबियल सोर्सेस इन ग्रुप वन विद देयर प्रोडक्ट्स इन ग्रुप टू। कमर्शियल माइक्रोबियल सरफेस एंड प्रोडक्ट्स इन द ग्रुप टू। अभी देखिए कॉर्नी बैक्टेरियम, सो कॉर्नी बैक्टेरियम यूज फॉर सेम क्वेश्चन, देखिए फिर से पूछा गया है ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड एंड कॉर्नी बैक्टेरियम। लास्ट क्वेश्चन में भी यही था, इस क्वेश्चन में भी यही है, मतलब सिंपल क्या, आपको वो ऑर्गेनिज्म पता है, उसका प्रोडक्ट पता है कमर्शियल प्रोडक्ट। तो बार बार इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देन क्लेप्सियल्ला, ऑक्सोकोटा, यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 2,3 ब्यूटेन डायल। देन एस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड, तो एस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए होता है। एंड अल्केलिजेंस, अल्केलिजेंस दीज आर यूज फॉर द पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिक एसिड। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ये भी इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट सी, नेक्स्ट दैट इज ऑल्सो द मैच द पेयर्स क्वेश्चन। अभी यहाँ पे मैच ग्रुप वन
with group 2. So get 2010 इसमें क्वेश्चन पूछा गया है. सो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, स्टेफेलोकोकस ऑरियस दिस इज मिथिसिलिन रेजिस्टेंस, कैंडिडा अल्बिकस दिस इज प्रोड्यूस द बायोफिल्म्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इट इज द आइसोनिजिड, एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दिस इज प्रोड्यूसिंग द बैक्टीरियोसिन. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो पी थ्री क्यू वन देन आर फोर एंड एस टू, सो देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये भी इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था. सो ये हमने कुछ माइक्रोबियल इकोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया. सो थैंक यू.